मैं अच्छा एक्टर रहा हूं, बिना आंखों के भी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरी तीसरी आंख खुल गई है। ये किस गलत चीज की बुआ रही है? ये मिस्टर वाडिया है। व्हाट डू यू मीन, इनको हमारा पास आता है क्या? वाडिया? वाडिया तो पारसी होते हैं और पारसी लोग तो सुबह नहाकर सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये स्मेल, आपको हमारा कुत्ते का बास आता होगा। तभी कुत्ते कुत्तियां अपनी जात नहीं छोड़ते, जैसे शेर शिकार नहीं छोड़ता, कुत्ता हड्डी नहीं छोड़ता, और कुतिया हाँ छोड़ो। ये बातें तो मैं अपने आप से अकेले में भी कर सकता हूँ। बोल मिस्टर वाड़िया, आप यहाँ तशरीफ कैसे ले आए? मैंने इसे कुत्ता खरीदा है। हम आपके लिए आंखें लाए हैं। आंखें? तो क्या आजकल कुत्ते की आंखें आदमियों को लगने लगी हैं? अरे तुम तो जोकर के वापस जोक बात है। मिस्टर वाड़िया, मैं जोकर था नहीं, जोकर बना दिया गया हूं। ये क्या कह रहे हो? किसने आपको जोकर बनाया? तकदीर माय डियर, तकदीर, वक्त और नसीब आदमी को अजीब अजीब तमाशे दिखाते हैं। अरे हमने भी अपने टाइगर को अजीब अजीब तमाशा सिखाया है, तुम देखेगा तो पागल हो जाएगा। I'm sorry मिस्टर वाड़िया, मैं तमाशे देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता हूँ। मिस्टर वाड़िया, मैंने आपसे ये कुत्ता तमाशे दिखाने के लिए नहीं, राकेश की देखभाल के लिए खरीदा। मेरी देखभाल? यार तुम अपनी जिम्मेदारी इस कुत्ते को सौंप रही हो? अपनी नहीं, जो काम नर्स किया करती थी अब वो काम ये कुत्ता करेगा। बराबर करेगा, लेकिन वो तुम्हारी जगह करेगा कि नर्स की जगह करेगा वो मेरे को नहीं मालूम। मिस्टर वाड़िया शराब, तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इस घर में कुत्ता नहीं चाहिए। अरे सू बात करे से दिख रहा, डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, अरे दुनिया में एक तो वफादार प्राणी है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर वाड़िया, वफादारी का जज्बा अब सिर्फ कुत्तों में ही रह गया है, लेकिन मुझे वफादारी फलती नहीं है। आप इसे ले जाइए। लेकिन मैम साहब ने ये आपकी मदद के लिए खरीदा है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ले जाइए जाइए। आप कहते हैं तो लेके जाता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये खानदान का कुत्ता नहीं मिलेगा। सर, ये ट्रेंड कुत्ता है, इसे रख लीजिए, आपका गाइड बनकर आपके साथ ही रहेगा। तुम भी यही चाहती हो? हाँ ठीक है, अगर आप सबकी एक ख्वाहिश है तो रहने दो सर। डियर टाइगर, ये सब एक्टिंग थी कि मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, हकीकत तो यह है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ओहो बच्चे, नेमते खुदा चश्मे बद्दूर। ओहो मेम साहब, आपका नूर चश्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अरे खोजे खुश रहो, लो बादाम पिस्ता खाओ, लो खाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा बच्चे को कुछ भी नहीं देना, अभी अभी उसने दूध पिया है। ओए अच्छा अच्छा, ओ खुशे दूध और घी पियो और काबुल का खुश्क मेवा खाओ और जल्दी जल्दी जवान हो जाओ, चश्मे बद्दूर मर्द पठान हो जाओ। ओ खुशे अगले पीर को हमारा बरादर काबुल से आएगा, हम बोलेगा काबुल का बादाम पिस्ता और खानदारी अनार लाने को। नहीं नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमारा पेट खराब होता है। ओ कुछ तुम्हारे वास्ते नहीं, इस बंदे परवरदिगार के वास्ते, उस रहीम की इस रहमत के वास्ते। ओ मेम साहब, हम तुम्हारे बाबा का फोटो खींचता है, फोटो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जरूर। तब तक मेहरबानी करके हमारे लिए एक टैक्सी लाएगा? ओ यस, जरूर। तुम्हारा टैक्सी आ गया, आपने फोटो खींचा? खींचा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। Thank you.
आपने इस बिल्डिंग में किसी अजनबी को आते देखा नहीं? देखा, देखा तो कितने बजे देखा? कुछ याद नहीं सर। है? बिल्डिंग को चारों तरफ से छान मारा लेकिन कहीं छतरी नहीं मिली। क्या छतरी? एक पठान यहाँ छतरी लेके आया था। हाँ हाँ छतरी थी। हाँ। और जब पठान यहाँ से गया मुंगीलाल जी तब भी उसके हाथ में छतरी थी? जी नहीं, वो मिसेस पटेल के साथ गया था। हाँ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो पठान अंधा नहीं था? बिल्कुल नहीं। अंधा क्या कंधे पे कैमरा लटका के फिरता है क्या? हाँ सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपने कहा था कि उस पठान के हाथ में कोई छतरी नहीं था, अब भी कह सकती हैं कि उसके हाथ में कोई छतरी नहीं थी? चौकस वरी, बिल्कुल नहीं। हाँ, कारण के एनो एक हाथ मारा बाबा ने प्रेम पर उठा, ने एनो बीजो हाथ कैमरा ने ऊपर उठा। एक फोटो लेवाने वास्ते कैमरा ने वास्ते बेव हाथ वापर वापर नहीं। हाँ। और बच्चे को गोद में संभालने के लिए भी दोनों हाथों की जरूरत है। सो पाई गयो। ओ जाओ जाओ। अरे अरे यू नॉटी बॉय। अंकल ने शर्ट पर सुसु की देनी। समझ में नहीं आता सर, मेरी छतरी कहाँ गायब हो गई? छतरी के लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो? नहीं खरीद लेना। ये बात नहीं है सर, वो छतरी मेरे भाई की निशानी थी, उसने अपना नाम लिखवाकर मुझे प्रेजेंट की थी। Excuse me. हेलो, कौन सीता देवी? हाँ मैं सीता बोल रही हूँ। आप 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, बहुत जरूरी काम है। जी मैं भी आती हूँ। इंस्पेक्टर शत्रु का फोन था, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, खाना खा के जाओ। मैं खा चुकी, मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था सीता देवी कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी? इसलिए कि अब मेरी वहां जरूरत नहीं रही थी, मिस्टर राकेश बिना किसी मदद के अपना सारा काम खुद कर सकते थे। यानी कि स्टोर तक भी जा सकते थे? जी हाँ, लेकिन अकेले नहीं, कोई साथ हो तो। साथ का मतलब आप? अब ये देखिए सीता देवी, ये उस पठान की तस्वीर है जो शाम बिल्डिंग में गया था, जिस शाम को रोनी देवी का खून हुआ था। अरे वाह शाबाश सीता देवी, कमाल कर दिया, आपने पहचान लिया था। नहीं जानती ये कौन है। तो फिर आप खड़ी क्यों हो गई सीता देवी? बैठिए और ये बताइए कि राकेश से आपका क्या ताल्लुक है? इंस्पेक्टर साहब, किसी के जाती जज्बाती तालुकात से पुलिस को क्या मतलब? सीता देवी, जाती जज्बाती तालुकात की बिना पे लोग जान भी ले लिया करते हैं। और कुछ लोग जान दे दिया करते हैं। मैं जा सकती हूँ? सुनिए सीता देवी, आपको आपकी छतरी मिल गई या नहीं? जी नहीं, आप इतने स्मार्ट ऑफिसर हैं। स्मार्ट कौन? मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप ढूंढ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ ये मेहरबानी तो करनी ही पड़ेगी। ये मेहरबानी तो करनी ही पड़ेगी, कुछ लोग जान दे दिया करते हैं।